हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटीई। आई एम मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी स्पीकिंग पार्ट की, जिसमें से मैं आज आपको रिपीट सेंटेंसेस पर टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगी। आप सबकी डिमांड थी कि मैं आपके लिए रिपीट सेंटेंस पर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करवाऊँ, सो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपकी रिपीट सेंटेंसेस के टिप्स एंड ट्रिक्स पर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन बात क्या है कि जो आपके रिपीट सेंटेंस हैं वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका पीटीई में। जो रिपीट सेंटेंसेस हैं वो आपका, जिसमें आपका स्पीकिंग का स्कोर भी है और आपके लिसनिंग पार्ट का भी स्कोर है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मॉड्यूल आपका ज़्यादा मार्क्स का कोई मॉड्यूल है सो वो आपका है रिपीट सेंटेंसेस। सो इसमें क्या होता है कि जो रिपीट सेंटेंस होगा उसमें आपके पास एक वन लाइन सेंटेंस होगा जिसको आपने रिपीट करना है, और वो सेंटेंस आपका ओनली वंस प्ले होता है, दोबारा आप उसको अगेन प्ले नहीं कर सकते। रियल एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप उसको दोबारा प्ले कर सकते हो। एग्जाम में आपके पास मैक्सिमम 2 सेकंड का टाइम होगा स्पीक करने का, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। सो आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपने उस सेंटेंस को सुना उसको उसी टाइम आपने रिपीट करना होता है। जस्ट 2 सेकंड्स आपके मैक्सिमम होते हैं, तो ये टाइम कब चला जाएगा हमें इसका पता भी नहीं चलता। सो नेक्स्ट क्या है कि जो आपके रिपीट सेंटेंस हैं वो आपके पास एग्ज़ाम में नियर अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं, और जो टोटल मार्क्स होते हैं आपका रिपीट सेंटेंस का वो 52 मार्क्स के होंगे पूरे पीटीई में, जिसमें आपका स्कोर होगा स्पीकिंग प्लस लिसनिंग। 26 मार्क्स आपके स्पीकिंग पार्ट में जाएंगे और 26 मार्क्स ही आपके लिसनिंग मॉड्यूल में जाएंगे। और जो आपके रिपीट सेंटेंसेस हैं वो एक रिपीट सेंटेंस आपका 13 मार्क्स के अराउंड का होगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि आपका एक रिपीट सेंटेंस 13 मार्क्स का है, बट एग्जाम में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये क्या होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं। उसके बाद जो पीटीई है वो अपना खुद की कैलकुलेशन से इनको डिवाइड करता है कि कैसे इनकी जो मार्किंग है वो होती है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका रिपीट सेंटेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब क्या है कि जो रिपीट सेंटेंस होता है वो आपका वन लाइन सेंटेंस होगा, सो इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है आपका 3 मार्क्स का। जो भी आपका डेटा उस रिपीट सेंटेंस में आपको प्रोवाइड होता है वो आपका 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद कि आप उस रिपीट सेंटेंस को कैसे आप उसको स्पीक करते हो वो होता है आपका 5 मार्क्स का, फ्लुएंसी। नेक्स्ट आपकी है प्रोनंसिएशन, वो भी आपकी इसमें 5 मार्क्स की होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है सो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका रिपीट सेंटेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो कंटेंट का स्कोर है, बिकॉज आपका जो कंटेंट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके रिपीट सेंटेंस में। मोस्ट स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी कहाँ पर आ रही है, वो आपकी आती है कंटेंट को पिक करने में, कंटेंट को वो फ्लुएंट प्रनाउंस नहीं कर पाते बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। सो अब हम समझेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंटेंट का वो कैसे है। फर्स्ट क्या है, अगर हम क्या बोलते हैं 50% से लेस डेटा स्पीक करते हैं तो हमारे पास ओनली 1 मार्क्स हमें मिलता है। अगर हम बोलते हैं 50% या फिर उससे ज़्यादा तब हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। अब अगर हम स्पीक करते हैं कंप्लीट सेंटेंस को और करेक्ट सीक्वेंस में, मींस जहां से आपका रिपीट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है उसी सीक्वेंस में हम उसको स्पीक करेंगे तब हमें मिलते हैं फुल मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स। आप क्या कर सकते हो कंटेंट में, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो डिफ़िकल्ट है उसको आप प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो, आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट उसमें आपने क्या करना है, अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करना है, आपको ये फील खुद को नहीं होने देना, आपने नर्वस नहीं होना कि मुझसे क्या हुआ है, एक वर्ड स्किप हुआ है, मैं उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं किया है। सो हमने ये मिस्टेक नहीं करनी, इससे क्या होता है जो हमारी फ्लुएंसी का स्कोर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, हमें 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखो,
ऑर्गेनाइज क्लास नोट्स विल मेक स्टडी टाइम मोर एफिशिएंट। कि अब देखो इसकी सेंस क्या आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अपने क्लास नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं तब हम स्टडी टाइम में को सेव कर सकते हैं, उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें इसकी सेंस समझ में आ गई तब हम इसको बिल्कुल ईजिली बोल देंगे कि कीपिंग ऑर्गेनाइज्ड क्लास नोट्स विल मेक स्टडी टाइम मोर एफिशिएंट। बट अगर हमने इसकी सेंस को ही नहीं समझा तब हम बीच में ही कहीं कहीं पर वर्ड में क्या होते रहेंगे, स्टक होते रहेंगे। सेकेंड थिंग, आपके जो रिपीट सेंटेंस होते हैं उसमें क्या आपने ध्यान में रखनी है, पूरी पीटी स्पीकिंग में ही क्या है आपका मेन, जो वर्ड उन्होंने दिया है हमने वही प्रनाउंस करना है। अगर उन्होंने यहाँ पर कीपिंग वर्ड दिया है तो हमने कीपिंग ही प्रनाउंस करना है, हम यहाँ पर कीप नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट का स्कोर भी डाउन होगा और साथ में हमारी जो प्रोनंसिएशन है उसका स्कोर भी डाउन होगा। उसके बाद देखो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड है, अब ईडी का साउंड लाना मस्ट है आपके लिए, अगर आप इसको नहीं लेकर आओगे तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है आपके पास, ट्राई टू स्पीक एज वेल एज यू लिसन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोराइजिंग पावर। कि अगर आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मेमोराइजिंग पावर है, कि आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने सेंटेंस सुना उसको आप सिर्फ अपने माइंड में ही रख सकते हो, तो आपने क्या करना है उसको उसी टाइम स्पीक कर देना जैसे आपने सुना है। बिकॉज अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी तब आप उसको रिटन मेथड से नहीं करोगे, तब आप उसको एज इट इज रिपीट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर टू ब्रिंग कैलकुलेटर्स टू क्लास नेक्स्ट वीक। अब आपने जैसे ही सुना आप मन की मन में अपना क्या कर रहे हो, उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हो, तो आपने जैसे ही आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हुई तभी आपने उसको क्या करना है, रिपीट करना स्टार्ट कर देना है। रिमेंबर टू ब्रिंग कैलकुलेटर्स टू क्लास नेक्स्ट वीक, एक नॉर्मल सी फ्लुएंसी रखनी है, हमने बिल्कुल ही भागना नहीं है, हर एक वर्ड को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रनाउंस करना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाय चांस हमसे क्या होता है कि हमें तो सिर्फ हाफ ही समझ में आया है, तो हमने क्या करना है, मान लो यहाँ तक समझ में आया हमें क्लास तक, अब हम नेक्स्ट वीक क्या हुआ, नहीं हमारे समझ में आया, हम भूल गए इसको, तो हमने जितना सुना है उतना सुनने को ही हमने अच्छे से स्पीक करना है। रिमेंबर टू ब्रिंग कैलकुलेटर्स टू क्लास, बस इसके बाद का साउंड नहीं लेकर आना कि आगे कुछ और भी वर्ड थे, इससे क्या होगा जो फ्लुएंसी होगी वो भी डाउन और प्रोनंसिएशन में भी जो एक्स्ट्रा साउंड जाएगा वो भी आपका स्कोर क्या होगा, डाउन। जितना हमने सुना है उसको हमने एक फ्लुएंट मैनर में बोलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट साउंड के साथ। नेक्स्ट क्या है कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट हाफ सेंटेंस को तो हम क्या कर लेंगे, राइट करें
फर्स्ट रिपोर्ट विद द सेकेंड लुकिंग फॉर एनी डिफरेंस. अब इसमें क्या किया, वी केयरफुली कंपेयर द फर्स्ट रिपोर्ट विद द सेकेंड लुकिंग फॉर एनी डिफरेंस. सो आप क्या करो, इनिशियल लेटर लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इनिशियल लेटर लिखकर प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब हम क्या करते हैं कि सिर्फ सुन के बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं. जो लेंथी आपके क्या होते हैं, रिपीट सेंटेंसेज होते हैं, वो हमसे पिक नहीं हो पाते. तो आपने क्या करना है, इनिशियल लेटर लिखकर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है. अगर आपने क्या करना है, 6.5 या फिर उससे ज़्यादा की नीड है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे. मैंने एक और देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, हाफ वर्ड को पिक करेंगे, उसके बाद मान लो कि उन्होंने क्या किया, 3 से 4 वर्ड को पिक किया, उसके बाद वो अपना ही एक सेंटेंस क्या करते हैं उसमें डाल देंगे. सो ये स्ट्रेटेजी क्या है, वो रॉन्ग है. आप क्या करोगे, इससे सिर्फ फ्लुएंसी में तो स्कोर लोगे, लेकिन जो कंटेंट है और जो आपका प्रोनंसिएशन है वो आपका डाउन चला जाएगा. सो उससे आपका जो लिसनिंग का स्कोर है वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा, और आपके लिसनिंग में जो स्कोर है वो कम रहेगा रियल एग्जाम में. नेक्स्ट देखो स्ट्रेटजी जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया, फॉलो किया है. मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करने जा रही हूँ. अब इसमें आपने क्या करना है, देखो कि क्या करते हो आप लोग, हम डेली सब चैट करते रहते हैं, ठीक है. उस चैट में हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं वर्ड्स की. क्या हम चैट को पूरा डिटेल में लिखते हैं, जब हम चैट करते हैं हर एक वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. सो वो हैबिट आप रिपीट सेंटेंस में भी फॉलो कर सकते हो. अब अगर आप इसमें फॉलो करते हो सो उससे क्या होगा, जो रिपीट सेंटेंस को पिक करोगे आप, वो बहुत इजी लगने लग जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा. बिकॉज जब हम चैट करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. जब उसमें हमारी हैबिट बनी हुई है तो हम रिपीट सेंटेंस में उस हैबिट को क्यों नहीं लेकर आ सकते. मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है. अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, वी केयरफुली कंपेयर द फर्स्ट रिपोर्ट विद द सेकेंड लुकिंग फॉर एनी डिफरेंस. अब यहाँ पर ये है, अब मैं अगर वी को वी लिखूँ इंग्लिश वाला, फिर केयरफुली को मैं CRLY या फिर आप अकेला सी भी लिख सकते हो, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता. हम इनिशियल लेटर में क्या कर देते हैं, अगर सिर्फ इनिशियल लेटर लिखते हैं तो उसमें से हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स को भूल ही जाते हैं. अगर दो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होगा कि इसका पता नहीं क्या था, इसका क्या था, उस टाइम हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है. तो हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपके रिपीट सेंटेंस अच्छे से पिक होंगे और आप पूरा कंप्लीट रिपीट सेंटेंस को अच्छे से स्पीक भी कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो, मैंने केयरफुली को लिखा CRLY, अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप CLY भी लिख सकते हो. फिर मैंने कंपेयर्ड को लिखा CMPRD, या फिर अगर आप उस टाइम बिल्कुल फास्ट आपका रिपीट सेंटेंस आ रहा है तो आप सी से भी इजीली याद रख सकते हो, सी और डी को डाल के बाद में. फिर दा को मैं प्रेफर करती हूँ लिखना डी, वैसे भी हम बोलते रहते हैं दी दी दी, तो उसको हम डी भी लिख सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में. फिर फर्स्ट, फर्स्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट RPT विद WD. फिर दा आ गया आपके पास डी, सेकेंड को ये वाला लिखो, लुकिंग को फर्स्ट वर्ड लिखा उसके बाद ING. देखो यहाँ पर ING को लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता लुक्स बोला है लुकिंग बोला है, हमें बिल्कुल ये नहीं होता ना कि एक बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि उन्होंने क्या वर्ड बोला, तो यहाँ पर हमने साथ में लिख लेना. अगर उन्होंने S बोला तो S वाली फॉर्म, ING बोली है तो ING वाली फॉर्म. फिर 4 को हमने ऐसे लिखा एनी AY डिफरेंस, डिफरेंस ऐसे डाल दिया. सो हमने ऐसी फॉर्म अपनानी है, वी केयरफुली कंपेयर द फर्स्ट रिपोर्ट विद द सेकेंड लुकिंग फॉर एनी डिफरेंस. इससे क्या होगा, जब आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे आप खुद चेंज देखोगे कि आपके रिपीट सेंटेंस बहुत ईजिली आप पिक कर सकते हो, एटलीस्ट आप 80% डेटा तो आप कवर करोगे ही इसमें. बट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम. सो डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्या करेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और आप खुद चेंज देखोगे कि आपसे जो रिपीट सेंटेंस हैं वो पिक होना स्टार्ट हो जाएंगे. काम क्या करना है, स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. सो लोड्स ऑफ प्रैक्टिस करो, जिससे क्या होगा आपके रिपीट सेंटेंस इंप्रूव होंगे. एक ही बार में किसी से कोई चीज़ नहीं होगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो
क्या लिखना है हमने, काउंटिंग वाला टू, फोर को फोर, बी फोर लिखते हैं, बी फोर लिखने में हमारा कितना टाइम जा रहा है, रिपीट सेंटेंस होता ही हमारा 3 सेकंड्स का है, तो हमने उसको लिखना है बी और फोर, द को डी, दिस को डी एस लिख दो, दीज है तो डी एस लिख दो, फिर आप लिख सकते हो वर, वर को डब्ल्यू आर डाल दो,